भैया, अभी टाइम हो रहा है करीब करीब 7। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो व्यू है, काफ़ी शानदार, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है, काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है। सुबह सुबह अगर इस तरह का व्यू देखने को मिल जाए भाई, और क्या चाहिए। तो चलिए हम अपना वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट्स अप पीपल, होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन दिस वर्क ऑफ द लैंड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंसान ट्रैवलिंग। सो यह अभी मैं हूँ ऋषभ में। ऋषभ एक काफ़ी प्यारा सा, खूबसूरत सा एक गाँव है कालिंपोंग डिस्ट्रिक्ट का। लावा से थोड़ा अंदर की तरफ है, थोड़ा ऊंचाई पर है ये, मतलब काफ़ी खूबसूरत है भाई। आप देख सकते हो ये जो पूरा 180 डिग्री है यहाँ पे, ये है कंचनजंगा का रेंज। ये पूरा कंचनजंगा का रेंज है। फॉग बहुत ही ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी फॉग, तो कुछ इस तरह से मतलब दिख नहीं रहा होगा आपको, वीडियो में ठीक तरह से नहीं आ रहा है, लेकिन जगह जो है ना भाई बहुत खूबसूरत है, भाई बहुत खूबसूरत है। ये करीब करीब 8,000 या 8,500 फीट एबव सी लेवल की एल्टीट्यूड है। रेडी एंड ऑल सेट टू गो टवर्ड्स संगे फॉल्स। तो चलिए आप फटाफट चलते हैं और बाइक पे जाते हैं। जा रहे हैं हम फिर से एक बार जगह को देख लेते हैं। काफ़ी शानदार, काफ़ी खूबसूरत जगह है वो। आप देख सकते हो वही है माउंट कंचनजंगा। फॉग की वजह से ठीक तरह से दिख नहीं रहा है। सो या गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो अभी हम इस खूबसूरत सी जगह को हम बाय बाय बोल रहे हैं। काफ़ी बढ़िया था स्टे, काफ़ी बढ़िया था, जगह बहुत खूबसूरत था। मतलब अब अकेले आना चाहते हो, एक सुकून भरी ज़िंदगी एक दो दिन के लिए जीना चाहते हो, तो ये काफ़ी मस्त जगह है भाई। काफ़ी सही था एक्सपीरियंस। अभी हम जाएंगे इधर से, अभी हम जा रहे हैं कोलाखाम होके संगे फॉल्स। संगे फॉल्स एक खूबसूरत से वाटरफॉल है, वहाँ पे हम जाएंगे। तो चलिए, मैं कल रात जो रुका था आपको रूम भी दिखाया, ओनर भी काफ़ी बढ़िया था, वो लवली होम स्टे था उसका नाम। सही था एक्सपीरियंस, आदमी अच्छा था, रूम अच्छा था, व्यू अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। तो मैं नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप भी ऋषभ आना चाहते हो तो उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप मतलब रूम बुक कर सकते हो। सो यह फाइनली मुझे मिल गया है पक्की सड़के, ये टारमेक रोड मिल गया भाई। काफ़ी खतरनाक था भाई ये पैच। पता नहीं बाइक का हालत कैसा हो रहा होगा, लेकिन कोई नहीं भाई, एक्सपीरियंस गजब का था। अभी फटाफट से जाते हैं, शायद यही है कोलाखम का रास्ता। अभी जाते हैं कोलाखम की तरफ। मुझे पता नहीं ये चेक पोस्ट है, कोलाखम जाना था आसाम से, एंट्री करना है तो यहाँ पे एंट्री करना है। बाइक यहीं पे रख दे, आगे साइड कर देते ना। फटाफट से यहाँ पे एंट्री करा के आते, बाकी कोई बड़ी झमेला तो है नहीं, फटाफट से एंट्री कराना। हाँ, सिग्नेचर करना है ना। अच्छा अच्छा 120 में, ओके ओके। हाँ, टिकट नहीं चाहिए? आप एक काम कर दीजिए, मुझे टिकट दे दीजिए, कोई नहीं मैं आपको दे देता हूँ पैसा, टिकट दे दीजिए आप। हाँ,
ये नेवरा वैली नेशनल पार्क है, ये गांव अच्छा वाले का अच्छा कोई मतलब नहीं है, अच्छा अच्छा इसलिए मैंने आपको बोला ना 500 रुपये दीजिएगा आप। अच्छा 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 ये बेटा तुम्हारे को कोई नहीं, कोई नहीं सर, 22 रुपीज़ 22 रुपीज़ आपको ऐसे कोई नहीं, कोई नहीं सर, 22 रुपीज़ ऐसे चला जी। ओके ओके, कोई नहीं सर। ये नेशनल पार्क हाँ ये जो है तो पूरा मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ही तो मेंटेन किया गया है ना पूरा। हाँ ये तो नेशनल पार्क यहाँ से शुरू हो गया। हाँ 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 ये पैसा तो अब गवर्नमेंट को ही जाएगा ना, तो उनका भी फायदा होगा यहाँ पे। एक टिकट बूम हो गया तो पॉकेट से हाँ 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 वही करना पड़ेगा। वही 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 जैसे अभी है सही है सही है। ये क्या यार ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगा भाई। आपको यहाँ पे बिठा के रखा है चेक पोस्ट पे चेकिंग करने के लिए, जितने भी लोग यहाँ से जाते। तो ये नेवरा वैली नेशनल पार्क है तो हम यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, तो मतलब हम पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को ताकि वो ठीक तरह से मतलब इस चीज़ को मतलब मेंटेन कर सके, तो वो तो हमारे लिए मतलब देश के लिए अच्छा होता है ना भाई, और मेंटेन करना ज़रूरी भी होता है। ये है नेवरा वैली नेशनल पार्क, तो इतना खूबसूरत जगह है, मेंटेन करना तो ज़रूरी है, और गवर्नमेंट के खाते में पैसा नहीं जाएगा तो फिर मेंटेन कैसे करें, है कि नहीं भाई। ये तो खुलेआम ब्राइब मांग रहा था यार, कैसा है ये, तो काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ। वो खुलेआम मतलब 50 रुपये दीजिए 50 रुपये दीजिए ऐसा बोल रहा था। क्या फ़ायदा दिखा रहा है, आपका भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा बोल रहा था। प्लीज यार सुधर जाओ, यार सुधर जाओ, इस तरह का ब्राइब्स लेना छोड़ दो, कब सुधरोगे यार। चोर को पकड़ने के लिए आपको बिठा के रखा है, आप खुद चोरी कर रहे हो, सही नहीं है भाई, एकदम सही नहीं है। कोलाखम है यहाँ से 6 किलोमीटर, बाकी कोई नहीं, उनको छोड़िए अभी हम जाते हैं। कोलाखम है यहाँ से 6 किलोमीटर। सो ये है नेवरा वैली नेशनल पार्क, व्यू काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अभी जल्दी से हम जाते हैं संगे फॉल्स, और ये जो रास्ता है मैं पूरा रास्ता कवर करूँगा आते वक्त, तो उस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको दिखाऊँगा, और कहीं पर रुक के व्यूज़ भी लेते हैं, वो नेवरा वैली नेशनल पार्क से किस तरह का व्यू आता है वो सब लेंगे। तो अभी फटाफट से जाते हैं। सो हेलो, सो फाइनली हम पहुंच गए हैं वो जगह पे, यहीं से नीचे थोड़ा सा पैदल मुझे चलना पड़ेगा, वहीं से संगे फॉल से। काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मतलब बहुत दिनों से मन था संगे फॉल्स आने का। मैं अपना बाइक यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ये रास्ते पे देख रहे हो आप कुछ भी नहीं है, मैं बस खुदा भरोसे इस बाइक को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, और आगे यहीं से मतलब स्टेयर्स है आपको दिखाते हैं, वहीं से मतलब पूरा स्टेयर्स है, और अभी यहाँ से करीब 10 मिनट लगेगा शायद। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, बहुत दिनों से मन था संगे फॉल्स आने का, काफ़ी आज मतलब जा रहा हूँ तो एक्साइटमेंट बहुत ही हाई लेवल पर है। काफ़ी सही है भाई, काफ़ी सही है, बाकी आप व्यू देख सकते हो यार, है कि नहीं गजब का व्यू भाई, बताना यार देखो एक नंबर व्यू है भाई, एक नंबर व्यू है, क्या बताऊं आपको। आवाज़ यहीं से मुझे सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई शायद नहीं दे लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है। नीचे जाते हैं, काफ़ी मज़ा करते हैं यार, चलिए व्यू देखिए कितना गजब का व्यू है, काफ़ी शानदार व्यू है भाई। चलिए आगे चलते हैं, और कितना नीचे की तरफ है देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा डाउन हिल है। मुझे पहली झलक जो है वो मुझे दिख गया है, कैमरे में अभी नहीं आएगा पर मुझे दिख चुका है जो फर्स्ट व्यू ऑफ संगे फॉल्स। ओ भाई जितना
इतना नीचे जा रहे हैं ना, अभी ऊपर चढ़ते वक्त तो वाट लग जाएगा। कोई नहीं भाई, इससे बहुत ज़्यादा खतरा तो मतलब वो वैसे दंग वाटरफॉल का ट्रैक था भाई। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ना तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। वैसे दंग का जो ट्रैक किया था ना मैं वाटरफॉल का, ऐसे ही थोड़ा ही था पेच, इतना ही मतलब आप मान लो 500-600 मीटर का, लेकिन जो गजब का एडवेंचर था ना भाई, बहुत। सो या फाइनली 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 हम पहुंच गए हैं वो वाटरफॉल जिसके लिए हमें इतना इंतज़ार था। यार क्या सही है, क्या सही है फीलिंग भाई। थैंक यू फॉर। सो यार आई एम इन द मोस्ट ब्यूटीफुल सांगे फॉल्स गाइस। या यही है वो सांगे फॉल्स जिसके लिए मैं इतने देर तक ट्रैक करके आया, इतने दिन से वेट कर रहा था। क्या ज़बरदस्त फीलिंग है भाई, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग है भाई। कोई नहीं है मेरे साथ, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, यहाँ पूरा यहाँ पर भी कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। अकेला इस चीज़ को मतलब इतना ज़्यादा फील ले रहा हूँ ना भाई, क्या बताऊँ, मतलब बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ। आप देख सकते हो पीछे कितना गहरा है, ये देख सकते हो नीचे जा रहे, पूरा ऊपर की तरफ देख सकते हो कितना ऊंचा है, ये देखो। मतलब क्या बताऊँ भाई, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर इसी तरह का कंटेंट आपको और भी देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। सो या थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ। मतलब यहाँ से जो वीडियो अगली वीडियो होगा वो घर वापस जाते वक्त कोलाखाम होके, कोलाखाम में थोड़ा 5-10 मिनट का रेस्ट लेंगे, कोलाखाम आपको दिखाएंगे और वहाँ से सीधा जाएंगे घर पे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल इंस्टेंट ट्रैवलिंग को। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो बाय बाय।